40 लाख लाके पुत तोड़िया सी अमरीका। कमाई की उड़ीक कर रहे मापिया नूं मिली पुत की मौत की खबर। मैक्सिको दे विच होए बस हादसे च हुई मौत। बीते दिन मैक्सिको के नजदीकी हाईवे दे कोल एक डूंगी खड्ड दे विच बस डिगन की खबर सामने आई सी। दसया जाता है कि इस बस दे विच कुल 18 लोग सवार सन, जिन्हां दे विचों 6 भारतीय दसे जा रहे सन। हुण इस सब दे विचाले ये मंदभागी जानकारी निकल के सामने आई है कि मरण वालियां दे विचों एक नौजवान जिला गुरदासपुर के ब्लॉक कानूवान के पिंड बागड़िया के नाल संबंधित सी। इवें दसया जाता है कि मृतक नौजवान गुरपाल सिंह एक महीना पहला ही अमरीका गया सी। मापिया ने तकरीबन 40 लाख रुपया लगा के गुरपाल सिंह नूं अपने सुपने पूरे करने के लिए अमरीका भेजा सी। दसया जाता है कि मापे बड़े चावां दे नाल पुत दी कमाई दी उड़ीक कर रहे सन, पर उन्हां नूं बदकिस्मती दे नाल पुत दी मौत दी खबर पूरे एक महीने बाद प्राप्त हुई है। इस मौके ते मौजूद किसान आगुआं अते भाजपा दे ब्लॉक प्रधान दा की कहना है तुहानू सुनाउने आ। इहो जी महाराज कहना करे ना कि बेड़ा गया सी अमेरिका कमाई करन वास्ते, अजे उह मैक्सिको गया सी, उत्थे बस हादसे दे तोरी मौत हो गई आ। बड़ी दुख की घड़ी आ। अस प्रशासन को मांग करते हैं कि बेटे की जी डेड बॉडी आ जी पंजाब पिंड बागड़िया जल्दी तो जल्दी लिया। हमने हमने पता लगा, मेरे को जस्ट गुरपाल जी के चाचा जी आए, उन्होंने दसिया कि उन्हों का बेटा अमेरिका जा रहा सी और मैक्सिको एक्सीडेंट होने कारण उस बच्चे की डैथ हो गई। मैं अपील करदा कि इन्हां दी बॉडी जिहड़ी है जल्दी तो जल्दी वापस मंगाई जाए। मैं सनी दोल साडे जिहड़े संसद दे मैंबर ने और साडे MP ने, मैं उन्हां गारी गुजारिश करदा कि वह जल्दी तो जल्दी साडी इस बेनती नूं स्वीकार करन, जो कि उन्हां दे माँ प्यो बेचारे जिन्हां दी अखां तरस गईआं, उन्हां ने बच्चे नूं भेजिआ कमाई वास्ते और वह बच्चे की कमाई की बजाए उहदी बॉडी वह कहिंदे वी वापस आ जाए उही बहुत है। तो मैं तो गाड़ी सारे गाड़ी यही बेनती करांगा कि ये राजनीति ना कोई भी करन, इनू कोशिश करन कि जल्दी तो जल्दी ये बॉडी उन्होंने घर वापस आए पिंड बागड़िया। जिक्रयोग है कि मृतक गुरपाल सिंह घरदियां दा एक लौता नौजवान पुत सी, जिसकी मौत तो बाद परिवार डूंगे सदमे दे विच विखाई दे रहा है ते पंजाब सरकार दे कोलों पुत दी लाश वापस लिआउण दी अपील की जा रही है। गुरदासपुर तो रविंदर सिंह सैणी की रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम TV।